बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी दरीम सलीम कसेरी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल फाइन। ओके, टुडे योर आईसीटी सेशन क्लास सिक्स। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट योर आईसीटी लेक्चर एंड एक्सरसाइज। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी, इस पर टिक लगवाने हैं और इसके अलावा बुक एक्सरसाइज आपने करवानी है। तो नाउ चेक आउट योर आईसीटी बुक एंड ऑल्सो स्टेशनरी बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, ताकि जब मैं स्टार्ट करवाऊँ काम तो कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको करते हुए। और इंशाल्लाह अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास सिक्स ऑनलाइन विथ स्मार्ट कंप्यूटिंग आपके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है वो आज करवा रही हूँ। ओके, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 16। ठीक है, पेज नंबर 16 पे आपका क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे हमारे तकरीबन क्वेश्चंस यहाँ तक हो चुके थे, तो हमने इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, 10 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे 10। ओके, तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 13 पर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 13 राइट कर रही हूँ ताकि इजी रहे आपको आंसर फाइंड करने में। ओके, तो हम मूव करते हैं पेज नंबर 13 पे। ओके, ये है पेज नंबर 13। तो हेडिंग आ जाएगी सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, ये कंप्लीट हेडिंग है इसकी और आंसर हमारा क्या है, 10th है ये, सही। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटरनेट सर्विसेज की हेडिंग के बाद सबके नेम आपने लिखने, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, न्यूज़ ग्रुप, चैट रूम्स, ईमेल्स, इंटरएक्टिव डिजिटल टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूज़िक, ई मैगज़ीन, ई पेपर एंड ई बुक, ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सब के नेम आपको सबसे पहले लिखने हैं। इस हेडिंग को लगाने के बाद, इंटरनेट सर्विसेज की हेडिंग लगाने के बाद वन बाय वन एक एक लाइन में एक नेम लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये नेम तक सारे लिखने के बाद आपने फिर दोबारा से ये हेडिंग लगानी है ब्लैक पॉइंटर से, ई लर्निंग। ओके, ये हेडिंग लगानी है ई लर्निंग की। और ठीक है, ये हेडिंग लगाने के बाद आपने छोटी सी हेडिंग लगानी है और यहाँ से स्टार्ट करना है इट इंक्रीजेस। ठीक है, ये निशान लगा रही हूँ मैं। ठीक है, 10th का आंसर है इट इंक्रीजेस योर नॉलेज एंड स्किल्स, ई लर्निंग हैज़ नाउ बीन यूज्ड बाय वेरियस कंपनीज, ओके, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल, बस यहाँ तक। ठीक है, ये शॉर्ट सही। इसके बाद ई कॉमर्स की हेडिंग आ जाएगी आपकी, इसी के साथ ई कॉमर्स की हेडिंग लेनी है, 10th लिखना है। ये भी छोटी सी आपको मैं करवाऊँगी, ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, बस इतना सही शॉर्ट आंसर है इसका। ठीक है, छोटी छोटी हेडिंग्स को जस्ट एक्सप्लेन करना है, डिफाइन कर देना है, ज़्यादा नहीं। न्यूज़ ग्रुप, ये हेडिंग आ जाएगी इसकी। ओके, हेडिंग के बाद अ न्यूज़ ग्रुप इज़ लाइक अ नोटिस बोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बस राइट, ये शॉर्ट शॉर्ट। इसके बाद है चैट रूम्स, यूजिंग इंटरनेट यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक निशान लगा। ठीक है, 10th का आंसर ये भी है। ठीक है, इसके बाद है ईमेल, ईमेल की भी हेडिंग आ जाएगी, यू कैन सेंड मैसेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग ईमेल ओवर द इंटरनेट, बस शॉर्ट शॉर्ट्स के एक एक लाइन की डेफिनेशन करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी निशान लगा लें। इसके बाद है इंटरएक्टिव डिजिटल टेलीविजन, ये हेडिंग आ जाएगी सही। और फिर हेडिंग के बाद इसको भी एक लाइन से आपने डिफाइन कर देना है, इंटरएक्टिव डिजिटल टेलीविजन अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द ब्रॉडकास्टर, ओके, यहाँ तक जस्ट वन लाइन आंसर। एडवर्टाइजिंग हेडिंग आ जाएगी,
एडवर्टाइजिंग इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट अ पर्टिकुलर आइटम और मैटर। बस शॉर्ट। इसके बाद है ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूजिक। यू कैन प्ले वेरियस गेम्स ओवर द इंटरनेट एंड यू कैन ऑल्सो लिसन टू सॉन्ग्स रेडियो प्रोग्राम्स एंड सी फिल्म्स। यहाँ तक ठीक है। हेडिंग सबकी आपने लगानी है, छोटी छोटी हेडिंग लगा के और एक एक लाइन से डिफाइन करना है इनको। इसके बाद है ई मैगजीन। ई मैगजीन की हेडिंग आ जाएगी यहाँ से। ई मैगजीन्स, ई पेपर एंड ई बुक्स। यू कैन रीड न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड बुक्स ऑनलाइन विदाउट हैविंग टू बाय देम इन देयर पेपर फॉर्मेट्स। ओके, यहाँ तक। इसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग। पीपल मे यूज़ ATM कार्ड फॉर द विड्रॉइंग द कैश अमाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट्स। ओके, जस्ट वन लाइन आंसर, ज़्यादा बड़ा नहीं। ओके ना स्टूडेंट्स, तो ये एक एक लाइन के आंसर हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जब आप राइट करेंगे तो शॉर्ट ही होगा ये, क्योंकि हेडिंग भी जस्ट छोटी छोटी सी हैं और वन लाइन के आंसर हैं। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, हमारे पेज नंबर 16 पे। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटर एक्सेस सॉफ्टवेयर। इंटर एक्सेस सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर आपका जो है पेज नंबर 8 पर है। ओके, तो यहाँ पे राइट करेंगे पेज नंबर 8। सही, तो हम पेज नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। तो ये रहा आपका पेज नंबर 8। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, देयर, दास से पहले लिखना है देयर आर। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ आपको हल्का सा छोटा सा। ठीक है, THEER, देयर आर। ठीक है, देयर आर द टू मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, नंबर 1 डायलर सॉफ्टवेयर एंड TCP/IP नेटवर्क सॉफ्टवेयर। बस इसके बाद यहीं पे इसकी बुक एक्सरसाइज है। तो आज की डेट आपने मेंशन करनी है, आज है 15 जुलाई 20। ओके, तो इस आइडेंटिफाई द आइकन्स ऑफ फॉलोइंग बटन्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, प्रीवियस बटन। ठीक है, प्रीवियस या रिव्यू, PREVIOUS। ओके, इसके बाद आ जाएगा फॉरवर्ड बटन, FORWARD, फॉरवर्ड। ओके, ये बटन होता है आपका होम बटन, HOME, होम। ओके, ये जो आपकी है आइकन, ये जो है आपका है प्रिंटर का आइकन। ठीक है, प्रिंट, PRINT, प्रिंट बटन। और ये जो बटन, ये जो आइकन होता है वो होता है हेल्प का। ठीक है, HELP। ओके, तो यहाँ तक ये आपका काम है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लेंथी हो चुका है, तो काइंडली आप उसको जब करते हुए करेंगे अपनी कॉपी में, तो उसे नीट और क्लीन कीजिएगा। ओके, हेडिंग के लिए गैप दीजिएगा। हेडिंग आपको पता है, हेडिंग के बाद भी एक लाइन का गैप देना होता है, और उसके बाद हर कंप्लीट हेडिंग करने के बाद भी एक लाइन का गैप देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी, वो छोटा सा है, उसे भी लाजमी कीजिएगा। और ये इसके बाद मैंने आपको एक बुक एक्सरसाइज करवाई है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका सेशन जो है वो आपका ICT का एंड कर रही हूँ मैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून। अपना ख्याल रखना।